कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना गया है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर 12 सालों में विशेष रूप से चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या जानते हैं कि ये अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 सालों के बराबर माने गए हैं। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदे 12 स्थानों पर गिरी, जिनमें से 4 स्थान पृथ्वी पर ही हैं, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताएं तो बृहस्पति ग्रह हर 12 सालों में 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हो को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।